असलम एवरी एवरीवन टुडे द डिस्कशन एजेंडा ऑफ लेक्चर इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल विद एग्जांपल सो आज हम जानेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं फ्री रेडिकल इज़ अ टाइप ऑफ द अनस्टेबल मलिक्यूल फ्री रेडिकल क्या होते हैं एक टाइप ऑफ अनस्टेबल मलिक्यूल होते हैं विच और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो यानी ऐसे मलिक्यूल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उनको हम लोग क्या कहते हैं फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट के सिंबल के ऊपर हम लोग डॉट लगा देते हैं जैसे कि क्लोरीन के ऊपर डॉट है तो ये क्लोरीन रेडिकल है ब्रोमीन के ऊपर डॉट लगा देते हैं तो ये ब्रोमीन रेडिकल है अब ये फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किस तरह होती है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज़ दैट टाइप दैट लाइक होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स यानी दो एटम्स के दरमियान जब होमोलाइटिक ब्रेकेज हो जाती है और ये कब होती है वेना हाई इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू एट जब हाई इलेक्ट्रॉन बीम इनके थ्रू पास होता है तो हमारे पास होमोलाइटिक ब्रेकेज हो जाती है और हमारे पास क्या बनते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं और ये क्या होते हैं मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं फेरी रेडिकल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और किसी भी रिएक्शन में बहुत जल्दी रिएक्ट रिएक्ट कर जाते हैं अब बात ये है कि इन ये होमोलाइटिक का्ड्स क्यों यूज़ हुआ है होमोलाइटिक मीन जब सेम टाइप ऑफ एटम हो जैसे कि ब्रोमीन और ब्रोमीन बी आर टू यानी सेम टाइप ऑफ एटम हैं जब ये इनके दरम्यान ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यानी होमोलाइटिक होमो मीन सेम लाइटिक मीन सेपरेशन ब्रेकिज मीन बॉन्ड ब्रेकेज मीन इनके दरम्यान बॉन्ड का ब्रेक होना यानी सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है होमोलाइटिक ब्रेकिज हो जाती है और ये बॉन्ड ब्रेक किसके थ्रू होता है जब हाई इलेक्ट्रॉन बीम इनके थ्रू पास करवाए जाते हैं जब हाई इलेक्ट्रॉन बीम इनके थ्रू पास करवाए जाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है हमारे पास ब्रूमिन रेडिकल बनते हैं ब्रूमिन रेडिकल बन जाते हैं सेम इन द केस ऑफ क्लोरीन या कोई भी हमारे पास हेलोजिन मोस्टली हेलोजिन केस इसमें डिस्कस कर जैसे फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन ये सारे जो है हमारे पास हेलोजेन है और इसके रेडिकल्स बनते हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं रेडिकल बनते रेडिकल कहते हैं जब हमलेटिक ब्रेगोजिन इनके दरमियान हो जाती है तो हमारे पास ये सेपरेट सेपरेट हमारे पास क्या बनते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं अब यहाँ पर दो ब्रोमीन रेडिकल बन गए जैसे कि एग्जाम्पल में मैंशन है एग्जाम्पल में एक ब्रोमीन रेडिकल बना है दो ब्रोमीन रेडिकल बने हैं और दो क्लोरीन रेडिकल बने हैं बी आर टू दो एटम हैं जब हाई इलेक्ट्रॉन बीम इसके थ्रू पास किए गए हैं तो इनके दो असेपरेट रेडिकल बने हैं ब्रोमीन रेडिकल प्लस ब्रोमीन रेडिकल सेम इन द केस ऑफ क्लोरीन टू यानी दो क्लोरीन एटम हैं जब इनको ब्रेकअप किया गया है इनके दो क्लोरीन रेडिकल बने हैं क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल एंड इट्स एक्सम्पल आई यू होप देट बेटर अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच